हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो आज कान्हा जी का जन्मदिन है, स्पेशल दिन है। लास्ट टाइम हम कुर्ता पहनते थे दुर्गा पूजा में, लेकिन आज पहन रहे क्योंकि स्पेशल दिनों के लिए स्पेशल कपड़ा होना चाहिए। आज जैसे हम लोगों को जाना है दो जगह, एक तो जाना है इस्कॉन टेम्पल और एक जगह जाना है जहाँ पर दही हांडी का सेलिब्रेशन होने वाला है। तो देखते हैं दही हांडी का सेलिब्रेशन में पहुँच पाते हो, क्योंकि वो हम लास्ट टाइम बचपन में देखे थे और हमको आज देखने का बहुत ज़्यादा ही मन है, लेकिन लेट हो चुका है। मतलब एक दोस्त है वो लेट कर दिया पूरा, तो फिर देखते हैं पहुँच पाते कि नहीं। जल्दी निकलते हैं फटाफट, क्योंकि यहाँ पर पटना में क्या हो गया, ऑटो वाले का स्ट्राइक भी चला हुआ है। मतलब सब कुछ एक साथ हो रहा है, इतना सोफिया। जब गाइस घर से निकला था ना, तो बिल्कुल भी धूप नहीं था। जैसे निकले वैसे धूप हो गया और थोड़ा बाल खराब तो हो गया, मेरा मुंह भी खराब हो गया। वैसे बाइक मिल गया, सबसे बड़ा बात तो ये है, तो धूप से बचेंगे, बाइक चलेंगे मस्त, लेकिन जाम से नहीं बच पाएंगे क्योंकि आज जन्माष्टमी में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगा इस्कॉन टेम्पल के पास। लगा था गाइस की शुरू हो जाएगा, अभी तक लेकिन शुरू नहीं हुआ है। अभी बोल रहा है कि एक घंटा और है, तो हम लोग टाइमली आ गए। भले ही बाल खराब हो गया, मुँह खराब हो गया जाम में फंसते फंसते। सो फार सो गुड। हैप्पी जन्माष्टमी मौली, हैप्पी जन्माष्टमी। तुम भी जाके फोर नावा, ठीक है? लग तो रहा एपिक होगा भाई। ये सब लगा है, तुमको पार्टिसिपेंट लग रहा है कि ये एक वो यही जोश चाहिए भाई लाइफ में। अरे बादल बादल जा रहा है। कर रही हो ये तुम? रात शाम को ही खोलती होगी यहाँ पे? Yes. नहीं पहले यहाँ पे ठेला आज नया हम लोग पेंट करने वाले हैं। विमान ठेला के नाम से, ठेला को किसने ठेली? आज हम लोग आज यहाँ पे एक नया नया ठेला लगाने वाले हैं। विभांजन शर्मा ब्लॉग बेचोगी क्या उसमें? विभांजन शर्मा को बेचोगे? अच्छा मेरे नाम से ठेला हम ही को बेचोगी? स्कैम। समोसा वमोसा बेचो भाई, मोमोज वोमोज बेचो, जलेबी बना ली थी क्या? वो छोड़ो ना पहले, कोई नहीं लेगा भाई। वो छोड़ो ना पहले, ये बताओ अंदर से जी तरह से कितना मिल रहा है? 8 ग्रुप्स है और फर्स्ट प्राइज इज 1 लाख, सेकंड प्राइज इज 50,000 और थर्ड प्राइज है 25,000। मतलब कि गाइस इसमें स्कोप है अगले बार से, मतलब जो जो देख रहे हैं ना ब्लॉग, ग्रुपिंग करते हैं हम लोग भी आएंगे और 1 लाख जीत के जाएंगे। क्या भाई टॉप पे तुमको रखेंगे, तुमको ऐसे किसी से फेंक देंगे, तुम ऊपर चले जाओगे। काश मैं पापा की परी होती तो मैं भी आज 1 लाख जीत गई होती। पापा की परी उड़ती ऐसी ले गया। लॉजिक है यहाँ पाए हुए हो गया 2 घंटा, लेकिन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। पता नहीं कब शुरू होगा, लेकिन जल्दी शुरू हो जाता है जल्दी, क्योंकि हम बाइक लेके आए ना भैया। अगर बाइक जल्दी नहीं दिए तो फिर अगले बार से देखा भी नहीं। अब नया बाइक वैसे हम जल्दी लेने वाले हैं घर से, जैसे मे भी अब देखे घर वाला दिलाता है कि नहीं, मेरे पास पैसा ही नहीं। तुम दिला दो भाई बाइक प्लीज़। ओके। डांस वैसे तुम अच्छा की। थैंक यू। इस टाइम का इस लाइव विटनेस करने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। आर यू एक्साइटेड? तुम्हारे लिए भी तो फर्स्ट टाइम है ना? पहली बार। हम बोला था ये पटना में रहती है, पहले एक्सपीरियंस की होगी, लेकिन ये भी नहीं गई थी। पहले इवेंट्स पता चलता है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब तो मुझे लगता है पटना में भी फेमस हो जाएंगे, इसको सब पता रहता है। प्रोग्राम के लिए थे, प्रोग्राम छोड़ के हम लोग खा रहे हैं ये क्या है वैसे, फर्स्ट टाइम खा रहे हैं? क्या बोलते हैं भैया? लट्ठा बोलते हैं। लट्ठा? अच्छा। कैसे हो? इसको खा के बचपन का याद आ गया। दिस इज आवर चाइल्डहुड। मतलब तुम अभी बच्चे हो। तुम समझो बच्चे हो। टेस्टी है, मानना पड़ेगा। हमको लगा था गाइस शुरू हो गया होगा, लेकिन अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। हम लोग आधा घंटा बाद घूम के आ रहे हैं कि शुरू हो गया, खत्म हो गया, खत्म देखे तो लग रहा है गाइस पूरा बारिश होने वाला है। बारिश में ही शुरू होगा, बादल छाया हुआ है, बारिश में ही होगा, तुम भीग जाओगी।
वाला फील आ रहा है, सबसे आगे बैठे हुए टाइम देखने वाले भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इतना ट्रेडिशन, इतना मतलब बहुत अच्छा। 25 फीट दिखाते हैं अब ऊपर, एमओ बन जाना चाहिए। धीरे 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 धीरे, तू एक्चुअली क्रेन में लगा हुआ है, क्रेन से बस मटकी को टच करना है। ये डेमो है, अच्छा आइडिया है। डेमो राउंड जिसमें द्वारिका ने देखा पार्टिसिपेट कर ली। करने के लिए कहा दही हांडी फोड़ने के लिए जज्बा सही होना चाहिए और ये मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो देख के डर लग गया, इतना ऊपर से गिरा डायरेक्ट मुंह की वजह से। ये टीम बाहर चले जाए, खत्म था गाने। जीतेगा भाई, जीतेगा। क्या गीली मिट्टी थी तो बच गए। गीली मिट्टी से और चोट लगता है? गीली मिट्टी थी, थोड़ा सॉफ्ट था ना, तो हार्ड पे गिरता ना तो उसका दांत टूट जाता। बात तो सही है, थोड़ा इसको परेश से लंबे कर लिया जाए। सही है भाई जी, ओ अंकल जरा सा ये मेन क्या लगता है? 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 10 11 15 16 40 44 45 46 47 हो सकता है, बावन तक पहुंच चुका है। तीर फिनिश के साथ बैलेंस बनाते हुए, अरे कोई बात नहीं, टीम टीम एकदम पेशेंस के साथ खड़ा नहीं होगा, दूसरा लेयर तक नहीं होगा। 1 मिनट 24 सेकेंड 25 सेकेंड का जिसका वो पटना का टीम है भाई, और हम लोग का जान पहचान का, और ज्यादा खुशी हुआ। हमको लगता है कि हमको लगता है आपको 50 सेकंड में करता है, हम लोग लेट हो तो हम लोग को निकलना पड़ रहा है। 7 बज गया है और बारिश भी पड़ने वाला, पूरा तूफान आने वाला, तो निकलना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। बाय बाय छोटू कन्हैया, बताइए ना आज ही हम बताए तो थे आज ही लेट हो चुके हैं बहुत ज्यादा। भीड़ कितना पहले वो देखो, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर, बस में बयान नहीं कर सकते इतना सुंदर लग रहा है। फोटो लेने के लिए पूरा भीड़ लगा हुआ है, ये देखो। हरे कृष्णा यहाँ तक गाइस ब्लॉग देख रहे हो तो लाइक करना ही करना है, लेकिन एक चीज़ और करना है, तो इंस्टाग्राम पर गाइस एक ब्रॉडकास्ट चैनल बना है जिसमें कि अपडेट
बहुत गंदा गिरा भी फोन। इस तो ब्रॉडकास्ट चैनल बना, उस पर अपडेट्स देते रहेंगे। अब इसके डूडने से बच गया, अपडेट्स को छोड़ो, अपडेट्स दे रहेंगे और काफ़ी सारा मतलब फन एलिमेंट्स उस पर होता रहेगा। तो पिन कमेंट में लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लो, बहुत ही मजा आएगा। शर्मा गैंग रखे नाम, और शर्मा गैंग इसलिए रखे नाम क्योंकि जो भाई इसको शर्माता नहीं और जो बेशरम होता है एकदम, मतलब इसको कि कोई शर्म नहीं होता एकदम, सिर्फ शर्मा गैंग। तो आराम से आ जाओ शर्मा गैंग में, मजा करेंगे और मस्ती करेंगे, मीम शेयर करेंगे। तो भाई यहाँ तक ब्लॉग चले हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, अभी फोन गिरते गिरते बचा। मिलते हैं ऐसे अगले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीछे मैं जिन रख रहा है, बाय, कॉर्नर में रख देंगे उसको।